अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेट एम्पायर। तो यस, आज जो है ना हम लोग आए हुए हैं सुहेल भाई की तरफ। तकरीबन भी 15-20 दिनों बाद आया हूँ मैं। ये दिन आप तो पहले भी आ गए थे, उन्होंने मुझे, मैंने तुम्हें मना भी किया था, टेडी नींद नहीं दो न्यूज़, मेरा गमगीन हो जाता हूँ मैं, टेडी मेरा बेचारा मर गया। तुमने यार अजीब बंदे हो तुम। बड़ी बेगैरत आदमी, बेशरम आदमी। अब ये लेके आए, असल में रोहन भाई ने भी कबूतर हटा दिया अपनी छत से, उनके कोई है अब्बा के घर पे ले गए, तो ये दो मेरे कबूतर रोहन भाई के पास पड़े हुए थे, पिंजरा में लेके आया हूँ। अरे अब्बा नहीं मंगाया उसके, क्या हो गया। तो ये जो है ना कबूतर, अभी अंदर से भी और कबूतर लेके जाना है, सेल करने है ज़रा कबूतर, आपको पता है थोड़े कम करने हैं, जिससे ना बीमारी आ गई शिव भाई के पास। खैर, शिव भाई से मुलाकात, तो तुम निश्चित सोते रहोगे तो 120 कॉल ही करूँगा ना मैं। आवाज़ें दे रहा तो मुड़ते नहीं हो, देर करा दी सेठ भाई के बाद, 9 बजे पहुँचना था, 10:30 हो रहे हैं, निश्चित इंसान है साला। मैं आपको दिखाऊँ मेरे साथ हुआ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बहाने बस बेकार के बहाने, बस छोड़ो। खैर, तो अभी इसको लेके अंदर चलते हैं और सेठ भाई से भी मुलाकात करते हैं, क्या उनका प्रोग्राम बढ़ गया, पता नहीं कितने कबूतर बेचारे के मर गए। मैं भी देखता हूँ, काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं भी। है ना, बाकी अंदर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आते हुए अंदर आ गए हैं, अभी जो है ना मैं अपने यहाँ वाले कबूतरों की ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग सिचुएशन चेक कर लेता हूँ कि ब्रीड आ रही है, क्या हो रहा है। बैड न्यूज़ तो काफ़ी सारी मिली है कि भाई ये मर गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना। ये देखें बेचारा, माशाल्लाह मेरा टेडी का पट्टा है, ये टेडी की आखिरी निशानी, मेरा शहजादा टेडी, उसका माशाल्लाह सपूत। बस यार एक ही बचा है टेडी की निशानी, बाकी तो टेडी तो बेचारा मर गया यार। मसला ये था कि वो रिजल्टेड कबूतर था और कुछ नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या ब्रीड आई हुई है, चलो एक ये चिट्टा लालबन पट्टा निकला है। अरे बीट कहाँ से आ गई यार, सब गंदा कर दिया भैंस के। हाँ, और कौन कौन से पट्टे निकले हैं, इन्होंने 2 अंडे दिए हुए हैं, ये एक पट्टा निकला है इनका, इसकी मुझे मादी भी लेके जानी थी यार, अभी बच्चा निकला हुआ है, कहाँ करूँगा यार, अभी कैसे होगा सब कुछ, क्या किया जाए। यहाँ पे फ़िलहाल 2 जोड़े छुटे हुए थे, इसका ये वाला नर लेके जाना है मुझे, इसकी ये वाली मादी लेके जानी है। नर तो चलो फारिग है, अंडे कहीं और भी रख सकते हैं, नर तो चलो मैं कुछ करता हूँ, नर लेके जाता हूँ, सही है ना, नर बेचता हूँ। बाकी असल में कबूतर कम करने हैं, उसकी वजह भी आपको इंशाल्लाह आगे जाके पता चल जाएगी कि क्यों मैं कबूतर कम कर रहा हूँ, सही है ना सेठ भाई, आप क्यों नहीं पड़े रह सकते, सही है। और सेठ भाई का भी दिल ख़राब हो गया, बोल रहे नहीं बच रहे यार, मसले हो रहे हैं, तुम ले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो अब ये तो करना पड़ेगा, अब क्या करें, देखते हैं, करते हैं कुछ कम करते हैं कबूतर, उसके बाद पता चलेगा कि करना क्या है। अभी देखते हैं क्या सेटिंग चल रही है, मैं आपको वहाँ पे भी न्यूज़ सुनाता हूँ क्या क्या न्यूज़ हुई है, सही है। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ यार, जैसा भी होता है मैं करता हूँ। इनका भी कबूतर काफ़ी सारे कम हुए हैं, यहाँ पर तो खैर थोड़े से कम है, ऊपर मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कम हो गए हैं यार, बहुत मरे इनके कबूतर बेचारे। बेचारी इसकी भी मादी बीमार हो गई है, सेठ भाई ऊपर जाके इसका ट्रीटमेंट करेंगे अलग से। इनका ये वाला एक बच्चा निकला चिट्टा लालन मक्सी, माशाल्लाह से अच्छे पोटे का निकल रहा है, बस ये बच्चा छोटा सा रह गया, बाकी इन्होंने अंडे ख़राब कर दिए, इन्होंने अंडे ख़राब कर दिए। ये तो चलो सेठ भाई ने किया है जो भी किया है, सही है। बाकी ये भी मादी बेचारी टांगों से रह रही है, अल्लाह जाने क्या मुसीबत है। खैर, इसके भी बच्चे मर गए बेचारे, अच्छे खासे बड़े हो गए थे, काले देसी मेरे। बाकी कुमारी है तो मैं लेके जा रहा हूँ बेचने के लिए, बाकी ये जो है ना फिर भाई हैंड फीडिंग पे ले लेंगे इस बेचारे बच्चे को। सही है वर्स, ये देखें ये सारे कबूतर बढ़ लिए, अभी 15 की गिनती की थी, लेकिन अभी ये कबूतर तो खैर कम हो रहे हैं, आगे पीछे हुए हैं। खैर बाल मसले वाली बात नहीं है, बाकी ये कबूतर सेल के लिए हैं, ये मैं बेचने लेके जा रहा हूँ, सही है ना। तो भाई यही थी छोटी सी वीडियो, सेठ भाई की तरफ आए हैं और बस अभी देखते हैं क्या सीन होता है, सही है ना। बाकी मिलता है इंशाल्लाह आपसे।